गाइज वेलकम टू माय चैनल जनरल मॉम कंटेंट। सो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 8:30 और अभी बहुत ज्यादा लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है आज क्योंकि आज है संडे और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। बहुत लेट आपको विश कर रही हूँ, पता नहीं आज कैसे लेट हो गया। सुबह ना इन्होंने वो बनाया था, छोले भटूरे बनाए थे, आज भी छोले भटूरे बनाए थे, कल भी छोले भटूरे बनाए थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के काफी सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए, मैंने सोचा चलो इनकी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। छोले भटूरे के बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे, कल के भी छोले भटूरे आज के भी बहुत ज्यादा यम्मी बने थे। इस वजह से आप वो रेसिपी जरूर देखना और जरूर घर पे ट्राई करना क्योंकि लॉकडाउन में आपको अच्छा अच्छा खाने का मन कर रहा होगा। बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे, आप अगर बनाओगे तो सभी को पसंद आने वाला है। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाए थे इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे वो। यानी भी आज थोड़ी सी हेल्प कर दी इन्हें, थोड़ी सी मतलब लिटिल बिट हेल्प कर दी, चम्मच वम्मच हिलाने में, थोड़ा सा भटूरा वगैरह फ्राई करने में वो, तो वो हेल्प कर दी मैंने थोड़ी सी इनको। बट सारा कुछ इन्होंने किया था, तो उनकी रेसिपी पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइज यहाँ पर इन्होंने छोले जो है वो बॉईल करने के लिए डाल दिए है और उसमें ना एक पोटली में भर के मतलब छोटी सी एक कपड़े की पोटली लेनी है, उसमें आपको दालचीनी भरनी है और उसे पैक करना है मतलब गांठ मार के और उसे उसमें छोड़ देना है छोले में। तो बस उसे सीटियाँ लगा लेनी है और यहाँ पर जो है वो सूजी डाल रहे हैं एक कटोरी, मतलब एक कटोरी से थोड़ी सी कम डाल रहे हैं, मैदा लिया है उतना। और उसके बाद उसमें सोडा ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा, बस सोडा ऐड करने के बाद उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आना चाहिए इसी वजह से। और यहाँ पर आलू जो है वो बॉईल कर लिए हैं, तो इस आलू को हमें इसमें मिक्स करना है, मतलब जो मैदा है हमारा उसमें मिक्स करना है हमें। और थोड़ा सा लेना है दही, तो दही ऐड करना है, मतलब एक कटोरी दही ऐड करना है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, तो ऑयल ऐड कर देंगे। और ये जो पोटैटो है, पोटैटो ऐड करने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे आपके जो भटूरे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाइज। मतलब मैंने पहली बार खाए थे ऐसे पोटैटो डाल के, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। और इस तरह से बस दही ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो इस तरह से जो कद्दूकस करने वाली जो कद्दू किसनी है आपके पास होगी, तो अदरक किसने वाली, तो उससे आप किस लेना, मतलब अच्छे से वो ग्रेड हो जाएगा और उसके बाद आपको उसमें स्मैश करने के लिए ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप स्मैशर से भी स्मैश कर सकते हो या आप इस तरह से किसने से किस सकते हो, बस इस तरह से करना है। और उसके बाद आपको आटा गूंद लेना है, साइड में आटा गूंद के रेडी था, तो बस आपको थोड़ा सा ऑयल जो है उसमें से लेना है और आटे को अच्छे से मिक्स करना है, मतलब लगा के अच्छे से गूंद लेना है उसे, मतलब उस आटे को सॉफ्ट कर लेना है अच्छे से। और सॉफ्ट हो जाने के बाद हमारे जो भटूरे हैं बहुत ज़्यादा फूले फूले और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह से आपको छोटी 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 लोइयाँ बना लेनी है उसकी और बस उसके भटूरे जो है वो बेल लेने हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने थे गाइज, आपको क्या बताऊँ। इस भटूरे की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ गया था उसका, छोलों का, और छोले भी बहुत ज़्यादा यम्मी बने। यहाँ पर आप देख सकते हो तेल में डालते ही किस तरह से भटूरे फूल रहे हैं और सॉफ्ट तो इतने बने थे ना पोटैटो की वजह से, आई थिंक सॉफ्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसका पोटैटो की वजह से आई थिंक। और बस इसी तरह से वो बेल देंगे, और पहले 2-3 उन्होंने बेले थे, एक्चुअली उनको बेलना अच्छे से नहीं आता है, तो वो बस वही पर उनकी कमज़ोरी है, यही उनकी कमज़ोरी है, बेलना उनको अच्छे से आता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बेल लेती हूँ और वो फ्राई कर लेंगे, तो फिर मैंने बेल लिया था। तो यहाँ पर भटूरे जो है वो रेडी हो चुके थे, तो अब छोले बनाएंगे। छोले के लिए थोड़ा सा तेज़पत्ता उसमें ऐड किया था और दालचीनी का वो पुटली दालचीनी की है वो ऐड की थी और बस उसको सीटी लगा ली थी। और हाँ यहाँ पर टोमेटो का पेस्ट ऐड मतलब बना के रखा है और प्याज का पेस्ट बना के रखा है और वो जो है वो छोले मसाला है जो कटोरी में दिख रहा है आपको एक, तो वो छोले मसाला है। बस तेल ऐड करेंगे कढ़ाई में और उसके बाद हम जो मसाला है हमारा भून लेंगे। तेल ऐड होने के बाद उसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है, उसमें थोड़े से दालचीनी, लौंग और इलायची ऐड की है और उसके बाद मतलब उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा उसमें। और उसके बाद उसमें तेज़पत्ता ऐड किया है,
तेज़पत्ता ऐड करने के बाद अच्छे से वो चीज़ें भून जाए, मतलब इसका जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाए। उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है प्याज का पेस्ट, और प्याज का पेस्ट हम उसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के पेस्ट को, और अच्छे से चला लेंगे ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और तेल छोड़ने लगे। और उसके बाद फिर हमें जो मसाला है हमने लिया उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें अच्छे से मिक्स करना है वो। यहाँ पर प्याज का पेस्ट जो है वो भून चुका है अच्छे से। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और वो भी अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जो हमने मसाले में पानी ऐड किया था वो हम उसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से उसे चला लेंगे। और उसके बाद फिर कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को थोड़ा सा ना क्रश करके ऐड करना होता है, नहीं तो वो उसका फ्लेवर नहीं आता है अच्छे से। तो बस इसी तरह से कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद उसमें ऐड करना है टोमेटो का पेस्ट। बस टोमेटो का पेस्ट ऐड करने के बाद भी अच्छे से आपको चला लेना है सारे मसालों को, कि आपका जो मसाला है, जो आपने मसाला भुना है, वो तेल छोड़ने लगे। और यहाँ पर छोले हम उसमें ऐड कर देंगे। काफ़ी अच्छे से बॉईल कर लेना है आपको, मतलब काफ़ी देर लगती है छोले बॉईल करने में, इसी वजह से वो, नहीं तो वो कच्चे रहते हैं ना तो बिल्कुल अच्छी टेस्ट नहीं आती है छोलों के। इसीलिए ना बहुत ही गल होने तक आपको उसे पकने देना है, और उसके बाद आपको उसमें ग्रेवी में मिक्स करना है और अच्छे से चला लेना है। नमक आपको ऐड करना है तो नमक ऐड कर सकते हो, और आमचूर पाउडर आपको ऐड करनी है तो थोड़ी सी आमचूर पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। किसी किसी को थोड़ा सा खट्टा पसंद है होता है तो इसी वजह से थोड़ी सी आमचूर पाउडर मैंने बता दिया आपको एक्स्ट्रा, हमने नहीं ऐड की थी, बट आप अगर ऐड कर सकते हो तो आप ऐड कर देना। 5 मिनट तक छोलों को ग्रेवी में पकने दिया है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया ऐड कर देंगे। और यहाँ पर छोला और भटोरा हमारा रेडी है खाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं बार बार वही बोल रही हूँ क्योंकि रेसिपी ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पता नहीं इनके दिल में क्या आया और इन्होंने ये रेसिपी बनाई। मुझे तो मेरा तो लंच बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था आज का। और आपका संडे कैसा गया ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। सो गाइज, यहाँ पर ये है पापड़ा। आप लोगों में से किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, इसलिए बता दे रही हूँ। ये सूजी का बनता है एक्चुअली, और मतलब बहुत लंबी लंबी रोटियाँ बनाई जाती है, मतलब बहुत ही बड़ी सी, और उसे ये काट काट के इस तरह से बनाया जाता है। ये दीदी ने बनाया है और वहाँ से भेजा है घर से, मतलब मेरी जिठानी ने। तो ये ना नाश्ते में बनता है एक्चुअली, तो यही मैं आज बनाने वाली हूँ, मतलब डिनर में बनाने वाली हूँ। एक्चुअली वो थोड़ा सा गीला था, इसी वजह से मैंने सुखाने के लिए डाला था, और वो अभी सूख गया है। तो उसका ना उसको बारीक करना पड़ता है थोड़ा सा कूट के, और उसे बनाना पड़ता है, मतलब नाश्ते के जैसा बनाना पड़ता है। जैसे पोहा वगैरह नहीं बनाते हम लोग प्याज में थोड़ा सा मसाले वसाले डाल के, वैसे बनाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोगों ने अगर खाया हो पापड़ा तो आपको पता होगा, अगर नहीं खाया है तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है यार। महाराष्ट्रियन को तो पता होगा कैसे लगता है। और ये दीदी, मतलब मुझे नहीं आता है एक्चुअली, तो दीदी बना के ही भेजती है। तो अभी दीदी ने बनाया था, वो गीला ही था, इसी वजह से मैंने आज उसे धूप में डाला था। अभी वो सूख गया है तो अभी उसे बारीक करके रख दूँगी डिब्बे में भर के। तो
बहुत टेस्टी लगता है। तो ये अभी मतलब नाश्ते वास्ते में बहुत अच्छा रहता है इस टाइम खाने के लिए, जल्दी से बन जाता है और ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहता है इसका। तो आज ना डिनर में ये बोल रहे कि वही बनाओ, क्योंकि आज सुबह बहुत ज़्यादा हीवी लंच हो गया था, तो इसी वजह से आज बोल रहे थोड़ा सा लाइट चाहिए डिनर में, तो वही बना दो क्योंकि वो सूजी का बनता है तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा खाने में। तो चलिए फिर डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ, डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। डिनर वगैरह कर लिया है, सब कुछ हो गया है, और हाँ कुछ क्वेश्चंस है कुछ जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको पता नहीं गुस्सा आ जाएगा अगर मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी। तो एक क्वेश्चन ऐसा बार बार आ रहा है कि मैं कहाँ रहती हूँ। एक्चुअली मेरी सिटी का नाम है अमरावती, मैं अमरावती में रहती हूँ, बट कहाँ रहती हूँ अमरावती में ये तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। आप भी समझ जाइए क्यों नहीं बता सकती हूँ मैं, थोड़ा सा रिस्की होता है ऐसा कुछ मतलब डिटेल में एड्रेस वगैरह शेयर करना। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और हाँ, किसी का एक और क्वेश्चन है कि मेरी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज। तो डियर, मेरी अरेंज मैरिज है, प्योर अरेंज मैरिज है, बट हाँ बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमारी लव मैरिज है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और हाँ, आप डिटेल में जानना चाहते हो कि कैसे मतलब हम लोग मिले थे या कैसे हमारी मैरिज हुई, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, मतलब हम दोनों आपको बताएंगे, यही आप चाहते हो हम दोनों बताएं आपको, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो बस इतना ही बता सकती हूँ कि हमारी प्योर अरेंज मैरिज है। आई होप आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और हाँ, अब लेने का टाइम आ गया है नाम लेने का। तो फर्स्ट नाम है मिनल पाटिल और सेकेंड नाम है सिमी खान। सो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। और हाँ, जिन जिनके इस ब्लॉग में नाम नहीं आया है तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि मैं एक ब्लॉग में दो ही नाम लेती हूँ, तो आप इस ब्लॉग में कमेंट करके बता सकते हो, आप नेक्स्ट ब्लॉग में शायद हो सकता है आपका नाम आ जाए। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियो, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।